बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको नुस्खा बताने वाली हूँ आपके फेस के लिए बहुत ही कारामंद है, और उसमें जो चीज़ें डलेंगी वो भी हमारी घरेलू ही हैं। ऐसे फेस जो गर्ल्स के होते हैं, ब्लैक धब्बे हमारी स्किन पे होते हैं, ब्लैक स्पॉट होते हैं, इतना कि आपकी अगर नेचुरल भी ब्लैक कलर है तो ये यूज़ करने से चाँद की तरह कलर चमक उठेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर जिसका कलर नेचुरल भी ब्लैक है तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठें कि बस ये तो मेरा कुदरती है, कलर नहीं खिलेगा। तो इसके लिए भी टिप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आजमाएंगी तो ज़रूर फ़र्क पड़ता है। लेकिन बात ये होती है कि कौन सा नुस्खा आप सही तरीके से चूज़ करते हैं अपने फेस पर यूज़ करने के लिए। और जिन गर्ल्स और बॉयज़ के फेस पे ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं और चेहरा दागदार हो जाता है, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। वीडियो छोटी सी है लेकिन बहुत ही कारामंद है, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर ही फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम अपना टाइम बचाते हुए अपने नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले जो चीज़ डालनी है वो है आधा लीमू लेना है आपको, और उसको निचोड़ लेना है, और उसके बीज जो है वो हम निकाल लेंगे। और सेकंड जो चीज़ है, आधा तकरीबन चम्मच एलोवेरा जेल, अगर आपके घर में फ्रेश पौधा है तो वो इससे भी बेस्ट है, नहीं तो ये भी बेहतर है। वो इसमें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और जो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही बेस्ट है वो है कोलगेट। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं वो हमारे फेस के लिए बहुत ही कारामंद है। ये हम इसमें फ्रेंड्स बस इतनी सी ही ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स होंगी तो ये बेहतर रिज़ल्ट देगी। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच बेसन, जो बहुत ही हमारी स्किन के लिए मुफीद होता है और हर घर में मौजूद होता है, एक चम्मच और आधा चम्मच यानी डेढ़ चम्मच। ये इसमें हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब मिक्स हो जाएगा तो ऐसा बन जाएगा, देखें। फिर आपको क्या करना है कि ये लेके अपने पूरे फेस पे आहिस्ता से मसाज करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद जो बचा हुआ हो, हल्के हाथ से नरम से मसाज के बाद जो बाकी बचे वो पूरे फेस पे अप्लाई करके तकरीबन आधे घंटे तक छोड़ देना है। ये अमल आपको दिन में एक बार करना है। उसके बाद सादे पानी से फेस वॉश कर लेना है, और फिर आप देखें खुद आपको फ़र्क नुमाया नज़र आएगा। इंशाल्लाह ताला ये अमल आप दोहराते रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको, आपका चेहरा तरोताज़ा हो जाएगा, डार्क स्पॉट भी ख़त्म हो जाएंगे। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।